पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इस योजना के फायदे क्या है और क्या हम इस योजना से कोई नुकसान में तो नहीं रहेंगे, क्या क्या बदलाव कर चुकी है सरकार, आइए देखते हैं सब। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल केयर ऑफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ योजना राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा वर्ष 1968 से लघु बचत जुटाने के लिए आरंभ की गई। यह योजना आयकर लाभ के साथ साथ निवेश के बेहतर अवसर भी प्रदान करती है। पीपीएफ खाता किसी डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक तथा कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकता है। कोई भी वयस्क अपने नाम से या किसी नाबालिग के नाम से एक पीपीएफ खाता खोल सकता है। खाते की अवधि 15 वर्ष होती है। मैच्योरिटी के बाद एक साल की अवधि पूरी होने के पहले ही फॉर्म एच भरकर आप अपने खाते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। खाते में प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपए, अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। यह राशि वर्ष में 12 या इससे कम किस्तों में कभी भी जमा कर सकते हैं। यदि किसी विशेष वर्ष के दौरान यदि ग्राहक निवेश नहीं कर पाते हैं तो बकाया राशि के साथ प्रतिवर्ष 50 रुपए दंड राशि का भुगतान किए जाने पर खाता पुनः सक्रिय किया जा सकता है। हिंदू यूनाइटेड फैमिली के रूप में पीपीएफ खाता अब नहीं खोला जा सकता। 13 मई 2005 से यह सुविधा बंद कर दी गई है, लेकिन अगर आपका खाता इससे पहले का है तो उनके लिए यह सुविधा मैच्योरिटी होने तक चालू रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप हर वित्तीय वर्ष के दौरान जमा राशि पर टैक्स से छूट प्राप्त करते हैं। जमा राशि पर मिले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। मैच्योरिटी होने पर जो राशि आपको मिलती है वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ खाते में किसी को भी नामित किया जा सकता है। नामांकन सुविधा एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से उपलब्ध है। खाते को बैंक से डाकघर या डाकघर से बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर आप एनआरआई है तो पीपीएफ की सुविधा नहीं ले सकते हैं। आप अपना फोटो, पैन कार्ड तथा एड्रेस प्रूफ देकर पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। साल भर की अवधि के दौरान आपके पीपीएफ खाते में जमा की गई रकम पर मिला ब्याज 31 मार्च को जोड़ दिया जाता है। आपके खाते में जमा राशि वार्षिक आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ती रहती है। फिलहाल आपके पीपीएफ अकाउंट पर सरकार 8% ब्याज अदा कर रही है। आपके पीपीएफ खाते में पिछले वित्तीय वर्ष में जो राशि रही होगी उसका 25% ही ऋण के रूप में ले सकते हैं। आपके खाते में नियमित आधार पर हर वर्ष कम से कम 500 रुपए जमा होने चाहिए। ऐसा न होने पर आपको ऋण नहीं मिल सकता। सामान्य परिस्थितियों में 15 साल की परिपक्वता के पहले आप पीपीएफ खाता बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे बंद करने की सुविधा आपको मिल सकती है। अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस खाता बंद करने के लिए आवेदन कर सकता है। खाताधारक या अपने निकटतम संबंधी में किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए खाते को बंद किया जा सकता है। खाताधारक को स्वयं की या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए तय समय से पहले खाते को बंद करने की सहूलियत मिल सकती है। चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही स्थितियों में समय पूर्व समापन के लिए जरूरी है कि आपका खाता कम से कम 5 साल पुराना हो चुका हो। इस प्रकार की समय पूर्व समापन में आपकी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की निर्धारित दर से 1% कम ब्याज दिया जाएगा। यह दंड आपके शुरू से लेकर अंत तक जमा की गई राशि पर लगेगा। खाताधारक के निधन पर यह दंड नहीं लगता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।